हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक हमारे सब्सक्राइबर है जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि हम ये वीडियो उनके साथ शेयर करें, तो हम शेयर कर रहे हैं। तो देखिए गाइस, ये है सूजी और ये है प्याज जो चॉपिंग में मैंने चॉप कर ली है। इसमें अच्छे से हो जाती है। और ये सूजी है, इसको मैंने थोड़ी देर पहले भिगो दिया था, मैं 5-10 मिनट पहले रखा था। और इसमें मैंने डाला है टमाटर और प्याज, देखिए चॉपिंग करके मिक्स किया है। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, मुझे दोबारा से कोल्ड हो गया है, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है। तो गाइस देखिए, ये चीले के लिए पेस्ट तैयार हो चुका है और उसको थोड़ी देर में रखा है। तो ये तवे पे हमने डाला है, इस पर ऑयल भी डाल सकते हैं मतलब, और आप घी भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा, ताकि ये चिपके ना। तो ये देखिए, हम इस थोड़ा ये चिपके ना इसलिए हमने ऑयल डाला है। और हम इस पर अब डालेंगे चीला। तो गाइस, ये जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया था वो बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है हमारी, और हम लेट हो गए उनकी ये रिक्वेस्ट पूरी करने में। तो गाइस, अब हम ये रिक्वेस्टेड वीडियो लाए हैं उनके लिए। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हमने चीला डाल दिया है तवे पे और इसको अच्छे से फैला देंगे। और ये वीडियो में इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था, यहाँ पे मैं स्टैंड नहीं रख पाती, जगह नहीं हो पाती और लाइट भी ढंग से नहीं आती तो दिखता नहीं है। इसलिए ये मैंने फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ था और एक हाथ से वीडियो बना रही थी और एक हाथ से ये चीला मतलब बना रही थी, चीला बना रही थी। तो ये देखिए गाइस, ये चीला अच्छे से हमने फैला लिया है। थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है इसको, नहीं तो इसको छुटाने में थोड़ी कठिनाई होगी। और मेरा तवा भी अभी ठीक नहीं है तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखिए गाइस, ये सिक चुका है, अच्छे से बन चुका है और ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने, बहुत टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि सूजी है, सूजी तो वैसे भी बहुत अच्छी होती है खाने के लिए। तो गाइस देखिए, हमारा तैयार हो चुका है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और दूसरा हमने येलो, तो गाइस देखिए, यहाँ पे हम डुगो खिला रहे थे कुछ, और देखो इसके ड्रामे, इतने खाता नहीं है ये। देखो आप लोग एंजॉय करो कैसे करता है ये ड्रामे कुछ भी खाने में। आजा ले ले बेटू, आजा 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 मेरा बच्चा, मेरा बाबू खा ले, आजा बेटू बैठ जाओ बैठ जाओ बाबू बैठ जाओ। ये मुंह देखो कैसे सांभ लिया, वाह वाह वाह। पापा बाबू पापा पापा बाबू पापा, गिर जाएगा बेटा उधर, इधर 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 पापा पापा पापा, पीछे 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 पापा पापा, ये लो खा लो, अप्पा खा लो, अप्पा खा लो, अप्पा 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 इसमें क्या मिर्ची लग रही है तुम्हें? मीठी मीठी खीर हम आपको खिला रहे हैं, आपको क्या इसमें मिर्ची लग रही है? मिर्ची लग रही है आपको? तो देखिए गाइज, यहाँ डुगू अपने पापा के कंधे पे बैठा हुआ था और बाप बेटी की मस्ती चल रही थी, तो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था बाबू। तो देखिए आप लोग भी एंजॉय करें।
बॉल। बस हो गया और गाना है। लाल टपका दी शैम्पू लगा रहा है। तो देखिए गाइस, ये हमने कुछ सामान मंगाया था अपने घर का, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो देखिए सामान क्या क्या मंगाया है, क्या क्या है हमारी इस पोटली में, जादू की पोटली में। आज हमारा क्या क्या निकलेगा इस जादू की पोटली में, मैं आपको रोशनी में दिखाती हूँ। तो देखिए ये क्या है, ये है सूजी। आपको पता ही है हम चीले खाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये सूजी है, और भाई सूजी है तो साथ में चाहिए, चीले होंगे साथ में सूजी के, तो सॉस भी चाहिए। तो ये है टमाटो सॉस, और ये है हमारा निकलता है अब घी, पतंजलि घी, बढ़िया घी। और अब हमारे पिटारे से निकलता है हमारी फेवरेट नमकीन। नमकीन तो भाई हमें चाहिए होती है चाय के साथ, मतलब चेंज करते रहते हैं, कभी कोई फ्लेवर खाते रहते हैं। और ये है मैगी, इसके 5 पैकेट है। हमारे पति जी को बहुत अच्छी लगती है, वेज आटा मैगी होती है ये गाइस, आटा मैगी होती है। तो और है छोले, सबकी वीडियो में छोले भटूरे देख देख के हमारा भी मन कर गया छोले भटूरे खाने का। तो देखिए हमने मंगवाए हैं छोले, बनाएंगे किस दिन बताएंगे आप लोगों को। और ये हैं 5 मैगी के पैकेट, और ये है विम बर्तन मांजने साबुन बढ़िया वाली, 5 हैं इसके, इसको नीचे रखते हैं। देखिए विम है, और ये है हमारे नहाने के डिटॉल के साबुन, ये हमने मंगवाए हैं, 4 का पैक आता है पूरा, ये देखो। तो ये 4 मंगवाए हैं। और ये है हमारी गुड नाइट ट्रिपल, मच्छर बहुत खाते हैं हमें उसके लिए, सर्फ एक्सल की 3 टिक्की, खा जाओ उसे टिक्की बना के मसाला डाल के। 3 ऑलिने सॉरी हार्पिक, तो इसको हम साइड में रखेंगे। तो गाइस और कुछ नहीं है हमारे, हाँ एक चीज़ और निकलती है, ये मैं पहले यूज़ करती थी शादी से पहले, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था, और अब मैंने मंगाया है क्लीन एंड क्लियर। ये होता तो बहुत अच्छा है, और ज़रा सा यूज़ होता है और खूब बढ़िया होता है। जो भी कोई यूज़ करता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन ये फेस वॉश यूज़ करता है और कैसा रिज़ल्ट है। मैंने किया है वैसे तो, पर मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए भी कैसा है, कैसा रिज़ल्ट है। तो गाइस मुझे बताना कमेंट्स में, जो मेरी फुल वीडियो वॉच करता होगा, ढंग से देखता होगा, वो ज़रूर बता। तो चलिए गाइस अब हम करते हैं बाय बाय, वीडियो में आज की वीडियो में इतना ही, अब हम आपको मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो गाइस चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो बाय बाय।